जैसे कि हम आ चुके हैं कोई फ्रेश वीडियो के साथ और आज हम आए पोचंकी की साइड और भाई हमने लगाया था स्क्वाड के खिलाफ। तो भाई इस गेम में काफ़ी तबाही होने वाली है। तो भाई मैं उतरते के साथ इस वाले घर में जाता हूँ क्योंकि मोस्टली इसमें एक गन मिल जाती है। तो भाई मिल भी गई जो कि थी टोमी। तो भाई जब तुम्हारे पोचंकी में वो भी जल्दी गन मिल जाए ना तो भाई कभी भी सोच लो कि भाई तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे खैर बोट मिलते हैं, इन्हें टोटली फिनिश कर देता हूँ ताकि कोई और किल ना चुरा ले। और भाई आगे स्क्वाड थ्री स्टोरी में बंदा रहता है, ये पता नहीं कैसे मारा, मैं तो पूरा प्रोन कर गया था तभी भी मर गया। शायद से एक हेड लग गया होगा और यहाँ पे मेरे टीममेट को किसी ने नॉक कर दिया था, शायद से उसी ने नॉक किया था, मैंने अभी किल फिट में देखा। तो गाइज उस बंदे ने नॉक किया टीममेट को और मैंने उसे पेल दिया। तो गाइज यहाँ पे मैं फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव देके यहाँ पे आ जाता हूँ भाई। और तो भाई मैं क्रेट लूटने आता हूँ तभी भाई ये बंदा आता है। खैर ये बंदा था या बोट था, और मेरे को तो लगा, खैर तो ये बोट लग रहा था मुझे जहाँ तक। और भाई इस गेम में तुम्हें ऐसे ऐसे इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी ना कि यहाँ से तुम सोचोगे ना यहाँ से बच के निकलना इम्पॉसिबल ही है। खैर तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और आगे एक एयर ड्रॉप होता है तो यहाँ से मुझे कुछ फुट स्टेप आते हैं आगे की तरफ से। तो भाई मैं इधर से आगे चल रहा हूँ और इसको नॉक भी कर देता हूँ और ये जिसका भी मैंने पहले नॉक किया था वो था आर टी मतलब मर जाएंगे लेट में। तो भाई इससे कोई फायदा नहीं होता खासा। और देखो भाई कैसे भरते हैं यहाँ से डैमेज देने की कोशिश और थोड़ा बहुत डैमेज भी करता हूँ और तभी मेरे टीममेट एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, फिर मैं ऊपर में रहता हूँ तो इसे इजीली भी भर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे तो खैर दो बंदे थे और देख सकते हो कितने क्रेटे हैं। तो यहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई हुई होती है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और फाइट होनी बाकी है। और भाई मेरे टीममेट का बुलावा यहीं पर आएगा, जल्दी बुलावा आएगा भाई। और भाई यहाँ पे मैं फटाफट, मेरे को इतना पता रहता है कि इस बंदे ने ग्रोजा चलाया था तो इस वजह से मैं फटाफट ग्रोजा उठा लेता हूँ ताकि मेरा टीममेट ना उठा ले। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ग्रोजा उठा लेता हूँ तो एक बोट केड़ी के देवता मिलते हैं, एक और फिर केड़ी के देवता मिलते हैं तो उन्हें भी इजिली भर देता हूँ। इन केड़ी के देवता को पूरा टोटली फिनिश करने के बाद फिर मैं आता हूँ फिर से लूटने के लिए ताकि 5 की एमओ मिल जाए। तो भाई कोई डीपी पटकाता है तुरंत ही, भाई मैं तुरंत साइड में कवर में आ जाता हूँ और वो आगे की तरफ से चला होता है तो जैसे मैं प्रोन होके भाई हील लगाने के लिए पीछे आता हूँ। और फिर उसके बाद जब पूरे अच्छे तरीके से हील लगाने के बाद फिर से लूटता हूँ क्योंकि भाई एमओ जितनी 5 की हो ना उतनी मतलब आपके लिए एडवांटेज रहती है क्योंकि भाई एमओ तो पता ही है कि जल्दी 5 की एमओ ख़त्म हो जाते हैं अगर तुम स्प्रे मारो। तो भाई मैं अपने गाड़ी पे स्मोक करता हूँ क्योंकि आगे बंदे थे और हमें उन पे रस मारना था। तो भाई मैं इस वजह से कई सारे स्मोक कर देता हूँ, मैं भी अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई तू भी स्मोक कर ताकि धुआं ही धुआं कर देते हैं पूरी जगह भाई बंदे, हम मतलब स्पॉट ही ना कर पाए हमें। तो भाई हम फिर उसके बाद गाड़ी तक पहुँच जाते हैं अपने USZ तक। और तो गाइज हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि भाई आगे पीछे टीमें थी तो भाई यहाँ पे मतलब सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी मेरे टीममेट को कोई डीपी से नॉक कर देता है। तो भाई मैं अपने टीममेट को बचाने के लिए जाता ही हूँ और भाई जैसे ही जाता हूँ रिवाइव देने के लिए तो भाई मतलब डीपी वाला तुरंत फायरिंग करना और मेरे टीममेट पे ही फायर कर रहा था ज़्यादातर क्योंकि भाई वो चाहता था पूरा फिनिश करना। जब तक मैंने स्मोक किया तब तक मेरे टीममेट को पूरा फिनिश कर दिया था। और भाई मतलब गाड़ी की हालत देखोगे ना बहुत बुरी कर दी थी, बहुत ज़्यादा ही बुरी कर दी थी। और ये आगे भी एक पहाड़ी की टीम आ गई थी। तो भाई मैं जैसे फायर दे के पीछे हटता हूँ और भाई मैं सोचता हूँ अभी पीछे चलो भाई
ज़्यादा चौड़ में जाएंगे तो बजा दिए जाएंगे। और देखो भाई डैमेज पड़ रहा है, और फिर मैं और पीछे भागता हूँ और यहाँ पे मैं लूटता हूँ, क्योंकि भाई एमो, क्योंकि इसमें आगे भी टीम है और पीछे भी। तो भाई इस वजह से मुझे इतना पता था कि इसमें ए डब्ल्यू में, तो वैसे मैं फटाफट ए डब्ल्यू में उठा लेता हूँ और 5 के एमो निकाल देता हूँ, क्योंकि इसमें ए डब्ल्यू में है तो लॉन्ग रेंज के लिए है। और यहाँ से मैं एक सोचता हूँ कनेक्ट कर लूँ, और मुझ पर 2x होता है, तो भाई वैसे तो पता पड़ता ही नहीं 2x में। तो अपने हिसाब से तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि एक बंदे को नॉक कर दूँ मगर भाई 2x में कहाँ उतना दिखता है। और भाई यहाँ पे मैं हील लगाता हूँ, थोड़ा बहुत ड्रिंक लगाता हूँ, और भाई ये पता नहीं कितना गंदा डैमेज पड़ा मुझे इस वजह से। भाई मैं बहुत पीछे भागता हूँ, और यहाँ पे मेरा मन कर रहा था ना कि यहाँ पे बच के निकलना मुश्किल है भाई, मुश्किल ही विश्वास नहीं करोगे बहुत ज़्यादा। और भाई इसी बात का ना वो सोचते से डैमेज कर दिया है, तो इस वजह से वो रस मार देते। और ये पीछे से कोई पता नहीं चला रहा था, इस वजह से मैं उसे पॉज करने की कोशिश करता हूँ, वो दिखते नहीं है, तो भाई फिर आगे वाले तुरंत रस मार देते हैं मुझसे। जस्ट अब देखो कि यहाँ पे कैसे सरवाइव करता हूँ मैं। और तो गाइज यही बंदा था जिसने जो मेरे टीममेट को मारा होता है। तो गाइज ये पीछे वाला काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता, पूरा नाक में दम करके रख देता। भाई मैं इधर फाइट ले रहा हूँ, पीछे से स्नाइप कर जा रहा है, पूरा फ़ायदा उठा रहा था। खैर तो यहाँ पे मैं लूटता हूँ, और मैं सोचता कोई स्कोप अच्छा सा मिल जाए, तो भाई किस्मत अच्छी होती है कि 4x मिल जाता है। अब बारी थी आगे वाले की, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, इस वजह से अब उसे भी मारना तो बनता है। एक टीम तो पूरी फिनिश कर दी, अब उसे मैं स्पॉटेड कर रहा था कि बंदा है कहाँ। ओ भाई वो भागते हुए दिखता है, जोन की तरफ जा रहा होता है वो। और भाई देखो मतलब एक तो उंगली करके निकल रहा है चुपके से, भाई ऐसे नहीं होता भाई। इस वजह से मैं पहले से तैयार था कि जहाँ भी भाई निकले ना बजा दूंगा उसे, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। एक मिस हुआ, तो फाइनली इसे नॉक कर दिया भाई। मैं मतलब इसे क्या ही बताऊं, मतलब उंगली करके निकल रहा था भाई, ऐसे नहीं होता है भाई। बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया था भाई, और तो मैंने वीडियो के मतलब क्लिप है वो काट दिए ना, तो भाई आप देखोगे ना कि यार ये कितना परेशान करता था बंदा। और तो खैर फिर मैं आ जाता हूँ जोन में, और यहाँ पे एक गाड़ी आगे से जाती है, तो इस वजह से मैं एक स्नाइप करने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या पता एक निकाल लूँ, तो इस वजह से मैं पहली फायर कर देता हूँ ताकि वो रुक जाएँ, और फाइनली वो रुक भी जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक नेट करता हूँ ताकि क्या पता एक नोक हो जाए, तो भाई सही है। खैर तो वहाँ पे बच जाते हैं भाई, फिर उसके बाद तो नेड तो वेस्ट हो गया था भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बंदा नज़र आता है जो कि सामने एकदम जस्ट रहता है, उसकी गन दिख रही थी मुझे, तो जैसे मैं से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, और ये भागा भागा आ रहा था वैसे। खैर तो डैमेज दे देता हूँ, और उसका टीम मेट रस मारता है, और इसे नोक कर दिया। अब उसके दूसरे टीम मेट की बारी, ये बंदा सोच रहा था कि जस्ट यहीं पे टीपी भी ले रहा होगा, इस वजह से वो भागा भागा आता हो, और वो भी जंप मार के आता है, जंप देखता है अरे कोई नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और स्क्वाड हाउस में आते ही मैं ऊपर मतलब जाता हूँ, और भाई जैसे ऊपर जाता हूँ तुरंत नीचे से फुट स्टेप आते हैं। खैर तो इसे भी इजली भर देते हैं भाई। फिर यहाँ पे मारने के बाद सिर्फ और सिर्फ जोन में बचे थे 2 बंदे, तो भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई के अच्छे खासे किल हो गए थे। और यहाँ पे देखना मतलब मरते मरते बचाऊँ सिर्फ, जस्ट देखो एकदम से सडनली फाइट। अरे भाई यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं था कि यहाँ पे तुम बच के निकल जाओ भाई, यहाँ पे एक भी मतलब कोई चांस ही नहीं था। एक आगे वाले को नॉक तो खैर तो मैंने कर ही दिया था, मगर भाई पीछे वाले ने एकदम मतलब अच्छा उसने दिमाग लगाया कि तुरंत जंप मार के इसने मार दिया। खैर तो तुम्हारे भाई का खैर यही था गेम प्ले, और आप बताना आपको कैसा लगा। और मैं 2 दिन से गेम प्ले नहीं डालना, तो उसके लिए सॉरी। और खैर तो अब बात कर लेते अपने शाउट आउट के बारे में, तो पहला शाउट आउट है लॉर्ड्स गेमर, और सेकंड शाउट आउट है हमारे टीज गेमर, और थर्ड शाउट आउट है हमारे विक्रम वाइट।
और तो खैर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।